तो दोस्तों, हम कई बार वर्कआउट के बाद या वर्कआउट के समय कुछ ऐसी गलती करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हमें नहीं पता होती है, जिस वजह से हमारी बॉडी बनने में काफ़ी समय लग जाता है या फिर हमारी बॉडी ही नहीं बन पाती। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप जल्द से जल्द अपनी मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हैं। तो हम बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले अपनी टिप पर आते हैं। जब भी आप वर्कआउट करते हो और उस वर्कआउट को ख़त्म करते हो तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप हल्के ठंडे पानी से नहाना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको यह बोलते हैं कि नहीं नहाना चाहिए, तो यह बिल्कुल गलत बात है। बहुत सारी ऐसी रिसर्च में यह पाया गया है कि अगर वर्कआउट करने के बाद आप लोग हल्के ठंडे पानी से नहाते हैं तो आपकी मसल्स रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं वह टब में बर्फ़ डालकर उसमें बैठते हैं। अगर आपके पास यह सुविधा नहीं है तो आप लोग हल्के ठंडे पानी से नहा सकते हो, जिससे आपकी मसल्स रिकवरी जल्दी होगी। उसके बाद हम जाते हैं अपनी टिप नंबर 2 पर, जो कि हमारी डाइट से रिलेटेड है। आप सभी को पता है कि अच्छी बॉडी बनाने के लिए वर्कआउट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी डाइट होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि वर्कआउट के बाद हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए? अगर आप हरे पत्तेदार सब्जी जैसे पालक, मूली का साग, सरसों का साग, केले का सेवन और दूध का सेवन कर सकते हैं। दरअसल ये सभी आहार विटामिन सी, ए, ई और के हैं। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और कई फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर है। अगर आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो आपको कई बीमारियों से बच सकते हैं और वजन घटाने और आपको स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करती है। अगर आपको किसी भी प्रोटीन को यूज करना है तो आप वर्कआउट के बाद कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपको कौन सी ब्रांड की प्रोटीन यूज करनी है और कौन सा प्रोटीन ज़्यादा फायदेमंद है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 3 की। जब भी आप अपना वर्कआउट ख़त्म करने वाले हो तो आप लोग स्ट्रेचिंग ज़रूर करना। स्ट्रेचिंग करने से क्या होता है, मान लो अगर आपकी हाइट रुकी हुई है या फिर अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हो तो आप स्ट्रेचिंग करके अपनी हाइट भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि जब वर्कआउट ख़त्म करने ही वाले होते हैं तो हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुकी होती है। तो उसे अगर आप स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करते हो तो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। उसके साथ में हमारी मसल्स को रिलैक्स करता है, तो जितनी मसल्स रिलैक्स होगी उतनी मसल्स बड़ी बनेगी, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद बात करते हैं हम अपनी टिप नंबर 4 की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लोग जिम में या घर में वर्कआउट करते हैं तो वह पंखे के सामने या एसी के सामने आकर अपना वर्कआउट करते हैं, जिससे उनका बॉडी का पसीना सूख जाता है या पसीना निकलता ही नहीं है। तो यह आपको नहीं करना है। जब आप वर्कआउट करो तो ऐसी जगह करो ना तो ज़्यादा ठंडी हो, मतलब हल्के गर्म जगहों में वर्कआउट करने से आपकी बॉडी गर्म होगी और आपके बॉडी से पसीना निकलेगा। एक बात को समझ लो, अगर अपनी बॉडी के अंदर से सफाई करना चाहते हो तो शरीर से पसीना निकालना बहुत जरूरी है। पसीने में केवल पानी नहीं, आपके शरीर की गंदगी बाहर आती है, आपकी जो त्वचा है वह साफ होती है। इसलिए जब भी एक्सरसाइज करो तो पसीना जरूर निकालना चाहिए। अगर शरीर से पसीना नहीं निकला तो आपके एक्सरसाइज करने से कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपके शरीर के अंदर से सफाई नहीं हो पाएगी तो आपका शरीर कैसे वर्क करेगा, मसल्स कैसे बनेगा? तो हम उसके बाद आते हैं अपने टिप नंबर 5 पर। लोग वर्कआउट ख़त्म करने के बाद में बहुत बड़ी गलती करते हैं और बहुत सारे लोग कुछ गरम गरम चीज़ें खाते हैं। आप लोग जब भी वर्कआउट ख़त्म करो तो कभी भी उसके बाद कोई गरम चीज़ नहीं खानी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग गरम गरम चाय पी लेते हैं, गरम गुनगुना पानी पी लेते हैं, तो आपको यह नहीं करना है। चाहे आप पूरे दिन गरम पानी पियो, गरम चाय पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वर्कआउट करने के बाद अगर आप गरम पानी पीते हो तो यह आपकी मसल्स रिकवरी को धीमा कर देता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी बॉडी पहले से ही गर्म होती है, उसे हम और गर्म करेंगे तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। हमें ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, जिससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाए, हमारी मसल्स की रिकवरी में बेनिफिट हो। तो यह था आज का वीडियो, जो भी टिप्स मैंने आपको बताया है इसका सही से इस्तेमाल करना और देखना आपका शरीर काफ़ी तेज़ी से डेवलप होने लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, टेक केयर।